अली अब्बास ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि मैंने दिलजीत को कुछ लाइनें सुनाई एंड ही सेड कि आई एम गोइंग टू डू इट। इस टॉपिक पे हम फिल्म बनाना चाहते थे खुद, ये बात कहना चाहते थे, लेकिन कई बार सेंसर का बहुत पंगा होता है। वर यू वरीड, यू नो, सिंस ये टॉपिक की वजह से कभी एक चिंता नहीं थी, टेंशन नहीं था कि यार ये फिल्म तो कर दी, ये सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे लिए ये जरूरी था कि यार कम से कम इस टॉपिक पे बात हो रही, ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को या किसी को ऐसे टारगेट किया हो, ये मेरे को सबसे अच्छी लगी थी बात। क्या सबसे ज्यादा क्लिक हुआ, इंटेंशन अली अब्बास का कि उन्हें खाली एक कहानी बतानी है और सही इंटेंशन से कहानी बतानी है, भरोसा था उन पर शुरू से? वो बात कहना चाह रहे थे, मैं समझ गया था कि यार ये ऐसा नहीं है कि ये कोई भी मतलब कोई मुद्दा खड़ा कर देगी उस टॉपिक पे, ये एक अच्छा मैसेज भी कन्वे कर रही है। तुम दिलजीत दोसांझ, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने का। थैंक यू सर, थैंक यू जी। दिलजीत आप कहाँ पर हैं, हमने आपको बहुत मिस किया जोगी के पब्लिसिटी के टाइम। मैं सर, मेरे ना एक्चुअली शोज चल रहे थे इसलिए मैं नहीं आ पाया रिलीज पे, लेकिन इंटरनेट पे तो मैं प्रमोट तो कर रहा था। जी जी जी, सबसे पहले तो यू नो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, मैंने फिल्म देखी, फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, सो फर्स्टली बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिलजीत मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा, जब ये सब्जेक्ट आपके पास आया था, काफी लोगों के लिए ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, आपने कुछ सोचा इसके बारे में कि ये करना चाहिए? सबके लिए सेंसिटिव है जी, सबके लिए सेंसिटिव है, तो आपने कुछ सोचा कि यू नो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई यू नो सिंस इट्स अ सेंसिटिव सब्जेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब ऑब्वियसली ये हमारी बात थी और एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो रही है, ऑलरेडी पूरी वर्ल्ड के पास ये फिल्म है, कोई कहीं भी बैठा इसको देख सकता है, तो अगर वो बात जो अभी तक इस लेवल पे कहीं नहीं गई है, तो उस चीज का मौका हमें मिल रहा था, मेरे लिए तो एक अच्छा चांस था ये बात को कहने के लिए, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं था इसको मना करने कि। अली अब्बास ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि मैंने दिलजीत को कल ही कुछ लाइनें सुनाई एंड ही सेड कि आई एम गोइंग टू डू इट, तो वो क्या था सबसे पहले जो आपने सोच लिया कि ये मैं करूंगा कुछ भी हो जाए? दिल्ली का जो इंसिडेंट जो हुआ है हम सबको पता है, आप सब जी ज्यादा पढ़े, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा और रिसर्च भी होगी आपकी, तो ये इस टॉपिक पे हम फिल्म बनाना चाहते थे खुद, ये बात कहना चाहते थे, लेकिन कई बार सेंसर का बहुत पंगा होता है, कई बार प्रोड्यूसर ये सोच जाते हैं कि यार बना ले उसके बाद सेंसर नहीं हो पाई तो क्या करेंगे, तो हर बंदा उस तरीके से साथ नहीं देता, तो मेरे को था कि यार ये चलो ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है तो सेंसर का तो थोड़ा जी उस हिसाब से पंगा नहीं होगा कि यार फिल्म लटक गई, रिलीज नहीं हो पा रही, तो सबको और प्रोड्यूसर और सब फिर उसमें आ जाते हैं कि यार छोड़ो रहे हैं दो, तो ये एक बात थी मेरे को कि यार ये बंदे बात करने जा रहे हैं और ये सेंसिटिव बंदे हैं, ऑलरेडी अली सर ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, मानशु सर ने अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, और जो वो कहानी जैसे उन्होंने शुरू की तो मैं समझ गया था कि ये जो बात कर रहे हैं ये सही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ये मुझे करनी चाहिए। बिल्कुल सही, यू नो तो प्लेटफॉर्म भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर यू नो ये थोड़ा ये एक तो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को जाता है और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बहुत बड़ा। जी ये मेन कारण। ओके, यू नो तो अली ने और भी काफी बातें कही, उन्होंने ये कहा मेरे इंटरव्यू में कि अगर दिलजीत ये नहीं करता था तो मैं फिल्म नहीं बनाता था, आपकी बात हुई थी इस बारे में? नहीं, मेरी ये इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, ऑब्वियसली बननी चाहिए थी, मेरा करना या नहीं करना कुछ नहीं, कोई भी कलाकार इसको कर सकता था जी, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट था कोई भी कलाकार इसको करता तो मुझे लगता वो अच्छा ही करता, क्योंकि आपके अगर इर्द गिर्द कहानी और बात आप अच्छी कह रहे हो तो आप एक्टिंग 21 से 19 भी करते हैं तो वो ठीक लगती है कि क्योंकि बात गाढ़ी बात हो रही होती है, लेकिन अगर कुछ हल्का सब्जेक्ट हो चाहे आप 21 का 22 भी कर लो एक्टिंग तो वो फिर हल्की लगती है क्योंकि वो बेमायने होती है, तो ये भी एक्टर करता तो वो ऐसी होती है। दिलजीत जो लोगों ने ये पिक्चर अभी नहीं देखी है सिर्फ ट्रेलर देखा है उन यू नो ये एक बहुत ही इन अ वे एक हीरो की कहानी है जो यू नो इट शोज द वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस बट इट शोज द गुड साइड ऑफ ह्यूमैनिटी आल्सो, कुछ बताना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है? जरूर देखनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को या किसी को ऐसे टारगेट किया हो, ये मेरे को सबसे अच्छी लगी थी बात कि किसी को ऐसे टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही और एक एक अच्छा मैसेज भी दे रही है फिल्म, ऐसा नहीं है कि इस
से कोई किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है और अपनी बात भी रखी जा रही है जी। नो डाउट ये एक फिल्म उस चीज का 1% भी नहीं है जी, ये मुझे पता है कि वो एक हाँ। उस चीज का 1% भी नहीं होगी, लेकिन कम से कम बात तो हो रही है इस चीज पे। आज हम इंटरव्यूज कर रहे हैं, आज नेटफ्लिक्स पे वो टॉपिक पड़ा है, चलो जो बात हम फिल्म में नहीं कर पाए या जो नहीं दिखा सकते थे वो आप अब उस पे रिसर्च हो सकती है, उस पे आप जाके पढ़ सकते हो, उस पे आप अपनी एक रिसर्च कर सकते हो। मेरे लिए ये जरूरी था कि यार कम से कम इस टॉपिक पे बात हो रही है जी। यू नो जब आपकी शुरू में अली अब्बास से बात हुई, क्या सबसे ज्यादा क्लिक हुआ, इंटेंशन अली अब्बास का कि उन्हें खाली एक कहानी बतानी है और सही इंटेंशन से कहानी बतानी है, भरोसा था उन पर शुरू से? अरे बिल्कुल, ऑब्वियसली जब जैसे हमारी बात हुई तो जो वो बात कहना चाह रहे थे मैं समझ गया था कि यार ये ऐसा नहीं है कि ये कोई भी मतलब कोई मुद्दा खड़ा कर देगी उस टॉपिक पे, ये एक अच्छा मैसेज भी कन्वे कर रही है और हमारी बात हो रही है, और शायद ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलता। मैं एक फिल्म और कर रहा हूँ सर, चलो अभी उसके बारे में बोलना शायद ठीक नहीं होगा, तो रहने देता हूँ, तो फिलहाल इसी फिल्म की बात करते हैं। तो जी ये जैसे जब भी मुझे कभी मौका मिलता है ये बात कहने का तो मेरे माध्यम से तो मैं कोशिश करता हूँ कि कही जाए जी। यू नो एक आपको अली पे भरोसा था और यू नो आपको उनका इंटेंशन नजर आया, क्योंकि ये टॉपिक कई लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, कई लोग एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, कई लोग यूज भी कर सकते हैं, तो वो आपने देख लिया कि यहाँ नहीं हो रहा है? नहीं नहीं 100% वो आपको सर आप किसी से 10 मिनट बात करते हो आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, और ऑब्वियसली ऐसा कोई मेरे पे वो नहीं था कि यार मतलब मेरे से कुछ भी को करवा सकता था, तो ऑब्वियसली मैंने कहानी पढ़ी सुनी, लेकिन ऑब्वियसली मेरा जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि यार ये इनकी इंटेंशन गलत नहीं है बंदों की। बिल्कुल सही, और वो फिल्म में भी दिखता है दिलजीत। आपने ना आपके लिए एक बड़ी डिसीजन होगी यू नो बाल छोटे रखना कुछ सीन्स के लिए, फिल्म में तो बहुत ही इम्पैक्टफुल था और यू नो सीधे नजर जाती है आपके कैरेक्टर पे, क्या कुछ गया आपके सोचने में उस वक्त? ऑब्वियसली वो एक बात दिमाग में थी, लेकिन सर वो रियल इंसिडेंट है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत बात है। अच्छा। आप ट्विटर पर लिखेंगे तो आपको कितने सारे लोग मिल जाएंगे, मेरे खुद के बहुत सारे जानकार हैं जिनके डैड तब इवन ट्रक चलाते थे, तो उस टाइम पे वो किस हालात में दोबारा घर वापस पहुंचे, ये तो चलो एक ट्रक का सीक्वेंस है फिल्म में, लेकिन बहुत सारे पंजाब से भी जो ट्रक जो ट्रांसपोर्ट वाले वो गए हुए थे उधरली साइड और उनको पता भी नहीं था कि एकदम से क्या हो गया है, और ये और आप एक बात लिखोगे आपको कितने ही इंसिडेंट ऐसे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं था कि ये कोई मनगढ़ंत बात हो रही थी, आप कहानी को फिक्शनल कह सकते हो उसके इर्द गिर्द जो हो रही है, लेकिन ये बात सच थी कि किस तरीके से वो तब लोगों ने जान बचाई या, और ये जो करेक्टर है वो किस इंटेंशन से वो बात कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो फिर इसलिए मुझे हिचकिचाहट नहीं हुई, अदरवाइज कोई और फिक्शनल कहानी होती, फिक्शनल कोई स्टोरी होती तो शायद फिर मैं नहीं करता। बिल्कुल सर, आपने जो कहा यू नो आई कैन, जितना हम जानते हैं ये सब हुआ है लोगों के साथ, और आप जैसे कह रहे हैं बहुत सारे इंसिडेंट सामने आ सकते हैं, ये फिल्म करने के बाद आपको किसका वैलिडेशन चाहिए था कि किससे सुनना था आपको कि हाँ हमने सही काम किया है? नहीं सर किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, मैं वैलिडेशन के लिए पता नहीं अंग्रेजी का क्या शब्द है वैलिडेशन का, हाँ तो मैं उसके लिए सर काम नहीं कर रहा, मुझे जो ठीक लग रहा है अपने हिसाब से जितना मैं करना चाहता हूँ मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ, मुझे किसी का कोई वैल्यू नहीं। जनरली अगर आपको दोस्तों से परिवार वालों से जिन्होंने भी फिल्म देखी है क्या फीडबैक मिला अब तक? फीडबैक अच्छा मिला सर, जिन्होंने फिल्म देखी है मेरे अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो ऑब्वियसली जैसे आप बोल रहे हैं कि इंटेंशन फिल्म का दिखता है तो उनको भी दिखा होगा, तो लेकिन ऐसे मैं कुछ करके मैं सोचूं कि यार मुझे मैंने ये कलाकृति बनाई है और मुझे इस पे दाद चाहिए तो मुझे दाद किसी से। दिलजीत एट नो पॉइंट वर यू वरिड यू नो सिंस ये टॉपिक की वजह से, कभी एक चिंता नहीं थी, टेंशन नहीं था कि यार ये फिल्म तो कर दी, ये सेंसिटिव टॉपिक है? नहीं मुझे तो नहीं थी, अली सर और वो माशू सर थोड़े थोड़े मन में था, थोड़ा था घबराहट, मेरे मन में कोई घबराहट नहीं थी, कुछ गलत नहीं हो सकता, जो हो रहा है सब सही हो रहा है, जो होगा सब, तो मेरे मन में ऐसी कोई घबराहट।
अच्छा है आप इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने काम को लेकर। दिलजीत, जब आप एक फिल्म करते हैं, कई एक्टर्स का अपना अपना स्टाइल होता है, आप एक फिल्म एक समय पे करते हैं या आप साल में 3-4 फिल्में कर देते हैं, आपका क्या स्टाइल है? नहीं सर, एक टाइम पे एक ही, मैं एक टाइम पे एक ही फिल्म, क्योंकि मैं म्यूजिक भी करता हूँ तो शो भी होते हैं, मुझे गाने भी बनाने होते हैं, तो एक टाइम पे एक ही फिल्म कर पाता हूँ, ज्यादा नहीं। तो एक पंजाबी फिल्म हमेशा हम करते हैं, हर साल करते हैं जी। 5 अक्टूबर हमारी पंजाबी फिल्म आने वाली है जी, तो इसलिए एक एक टाइप पे एक ही कर पाता हूँ, क्योंकि म्यूजिक भी करता हूँ सर। जी नहीं, आप म्यूजिक करते रहिए क्योंकि हम वो एंजॉय करते हैं। तो अगर आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपकी अगली रिलीज जो 5 तारीख को है वो कहाँ देखने मिलेगी, क्या है एग्जैक्टली? थिएटर में आएगी सर प्रॉपर, वो तो आउट एंड आउट कॉमेडी, उसमें मतलब ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो आउट एंड आउट कॉमेडी फैमिली मूवी है, फैमिली के साथ आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। थिएटर में सब टाइटल के साथ रिलीज होगी, तो पंजाबी वैसे तो वो ऐसी पंजाबी है कि सबको समझ आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो सब पैडल के साथ रिलीज होती है और कहानी अच्छी है, तो फैमिलीज के साथ आप जा सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं। दिलजीत, आपने जोगी बनाई है अली अब्बास जफर के साथ, जो नेटफ्लिक्स पे है, मैं देख चुका हूँ, और मैं भी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि वो जाकर ये देखें। आपको बहुत बहुत मुबारक, एंड आप प्लीज ऐसा सिनेमा बनाते रहिए। थैंक यू सर, मौका मिलता रहा। थैंक यू दिलजीत, थैंक यू सो मच।